नमस्ते दोस्तों, 2022 में जापान में 7 लाख के करीब बच्चे पैदा हुए, जो कि इस कंट्री के अब तक के रिकॉर्ड में सबसे कम बर्थ है। जापान दुनिया की सबसे लोएस्ट बर्थ रेट वाली कंट्री में से एक है। सन 1900 के दौरान जापान में काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन अब जापान की जनसंख्या तेजी से घट रही है। इसकी वजह क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, जापान एक डेवलप देश है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसकी GDP करीब $5 ट्रिलियन है, इसलिए इसका बर्थ रेट कम क्यों है, इसे जानने के लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की इकोनॉमी बुरी तरह से टूट गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिकली ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो जापान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वॉर खत्म होते ही 7.6 मिलियन मिलिट्री पर्सन को अपना जॉब खोना पड़ा। करीबन 1.5 मिलियन लोग जो विदेश में थे, उन्हें अपने मुल्क लौटना पड़ा। कुल मिला के 13 मिलियन लोगों के आसपास बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी को भी जापान ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से काफी हद तक कम कर दिया। सबसे मुश्किल चैलेंज था इसकी बढ़ती महंगाई। जापान में उस वक्त महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि वॉर के दौरान बहुत सारा फंड मिलिट्री सर्विसेज पर खर्च किया गया। हालांकि इस प्रॉब्लम को 1949 में डॉज प्लान की मदद से सॉल्व किया गया। जापान को अपनी इकोनॉमी वापस खड़ी करनी थी और इसलिए उसने अपने आप को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया। 2 सितंबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को उसकी मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के इरादे से उसकी मदद करना शुरू कर दिया। 1945 से 1951 तक जापान ने डेमोक्रेसी अपना ली। जापान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस लाने के लिए जनरल डगलस ने कई प्रयास किए। रिफॉर्म पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने से भी पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि जापान का डीमिलिटराइजेशन किया जाए। मिलिट्री सामान बनाने का सारा प्रोडक्शन रोका गया। जापान ने अपनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने के राइट्स को गिव अप कर दिया और बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड हो गया। जब से जापान ने मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस पे खर्च करना बंद कर दिया, वहीं से उसकी किस्मत चमक गई। जापान ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजीज की स्टडी की और उससे कम लागत वाली नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की। और फिर क्या, देखते देखते टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल्स में जापान ने तरक्की कर ली। 1980 तक जापान की इकोनॉमी किसी की नजर न लगे ऐसे मुकाम पर थी। 1980s में उसका एनुअल ग्रोथ रेट 3.89% था, जबकि उसी समय US का ग्रोथ रेट 3.07% था। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लेकिन आखिर इस बूम का बबल 1989 में फूट ही गया। 1989 में बढ़ती महंगाई को मैनेज करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स बढ़ा दिए और इस वजह से जापान का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इस कंट्री की GDP ग्रोथ 1990 में 4.9% से 2019 में 0.3% पर आ गई। इस वजह से लोगों की हाउसहोल्ड इनकम जो 1995 में $50,600 थी, वो 2020 में घटकर $43,300 हो गई। अब देखते हैं कि इन सब चीजों का इसके लो बर्थ रेट के ऊपर कैसे असर पड़ा। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहां कल्चरली पुरुषों को घर चलाने वाला, रोटी कमाकर लाने वाला माना जाता है। यहाँ लोगों की अपनी अलग मुश्किलें हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, चाइल्ड केयर फैसिलिटी नाम की चीज कम है, इसलिए यहाँ की औरतों को करियर के साथ बच्चे पालना मुश्किल है। कई औरतों को यहाँ या तो बच्चे संभालो या फिर करियर बनाओ, कोई तो एक चीज सिलेक्ट करने का प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ कपल बच्चे पैदा करने के बारे में कम ही सोचते हैं। शहर में रहने वाले न्यूक्लियर फैमिलीज वैसे ही बच्चों को संभालने के लिए अपने बड़ों का सहारा नहीं ले पाते। दूसरी चीज है यहाँ का वर्क कल्चर। जापानीज वर्क कल्चर में लॉन्ग वर्किंग आवर्स शामिल हैं, जिसकी वजह से लोग फैमिली के लिए कम वक्त दे पाते हैं। इसलिए यहाँ फैमिली शुरू करना कपल्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है और इसलिए वो फैमिली बढ़ाने से दूर रहना प्रेफर करते हैं। शादी को लेकर यहाँ के यंग पॉपुलेशन की सोच में भी बहुत बदलाव आया है, खासकर पैंडेमिक के बाद। शादी और बच्चे दोनों ही चीजों को यहाँ के यंगस्टर्स पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर सिंगल रहना ही पसंद कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कम बच्चे। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से यहाँ पर बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस वजह से जापान फेस कर रहा है पॉपुलेशन क्राइसिस। इसका सीधा असर जापान की वर्क फोर्स पर पड़ता है। जापान में वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है, इसलिए यहाँ की सरकार चाइल्ड केयर सर्विसेज जैसी पॉलिसीज ला रही है। यहाँ के कई इलाकों में कपल को बच्चे पैदा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब में जापान ऐसा इकलौता देश नहीं है जहाँ पे बर्थ रेट कम है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से नवंबर 2022 में साउथ कोरिया ने सबसे कम बर्थ रेट होने का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसी देश का स्टेबल पॉपुलेशन रेट मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट ऑन एन एवरेज 2.1 का होना जरूरी है, जबकि साउथ कोरियन वुमन का उसके पूरे लाइफ का चाइल्ड बर्थ रेट 0.79 है। वहीं पे जापान का 1.3 है और अमेरिका का 1.6 है। वैसे इंडिया में अब तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है, आपके विचार कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।